हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में कोटेशन इनवॉइस बनाना। अगर आप एक एक्सेल यूजर है तो आपको कोटेशन बनाना आना चाहिए। एक्सेल में कोटेशन होता क्या है, अगर मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और वहां पर एक कस्टमर आया है और कस्टमर ने आपसे बोला है कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए। उसने बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद लिया है और आपसे बोल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का कितना हुआ, तो वहां पर आप एक कोटेशन इनवॉइस को बनाएंगे एक्सेल में और उसमें आप बताएंगे कि आपका पेमेंट कितना हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम आसान तरीके से और डिटेल में सीखने वाले हैं कोटेशन इनवॉइस बनाना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे हम अभी एक्सेल शीट में है और यहाँ पर हम कोटेशन इनवॉइस बनाने वाले हैं। तो हम उसके लिए एक न्यू शीट लेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने हेडिंग टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होगी सीरियल नंबर होगा, तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर टाइप करेंगे और सेकंड में हम यहाँ पर टाइप कर देंगे पर्टिकुलर्स। और पर्टिकुलर टाइप करने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे रेट। रेट जो भी प्रोडक्ट का रेट होगा यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट के रेट को लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम रेट का भी कॉलम लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी टाइप करेंगे और उसके बाद हम लास्ट में टाइप करेंगे अमाउंट। तो यहाँ पर हम अमाउंट टाइप कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस भी कॉलम में हमें जितना भी लिखना है, जितना भी टाइप करना है, तो हम उसकी रेंज को उतना ही बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर इसकी विड्थ को मैं बढ़ा लेता हूँ पर्टिकुलर की कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर रेट की भी विड्थ को बढ़ा लूंगा, और यहाँ पर हम क्वांटिटी की विड्थ भी बढ़ा देंगे, और यहाँ पर हम अमाउंट की विड्थ भी बढ़ा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे जिस भी स्टोर में हम जॉब करते हैं या फिर हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, तो उसका हम यहाँ पर नेम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर एक रेंज सिलेक्ट करेंगे, तो हम स्टार्टिंग के दो रो को सिलेक्ट करेंगे और इन्हें कर देंगे यहाँ पर मर्ज। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे स्टोर का नेम। तो यहाँ पर मैं स्टोर का नेम टाइप कर लेता हूँ, तो मैंने टाइप किया इन्फो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और उस सेकेंड रो में आएंगे और यहाँ पर हम एक रेंज को सिलेक्ट कर देंगे यहाँ तक जहाँ तक हमारी हेडिंग होगी, और इसे भी कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम इसका एड्रेस टाइप करेंगे, तो मैं टाइप करूंगा मेन मार्केट रामपुर रोड सेक्टर 56, सेक्टर 56 न्यू दिल्ली। उसके बाद हम यहाँ पर स्टोर का जो नेम है उसका साइज इंक्रीज कर देंगे कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर इसे कर देंगे बोल्ड, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है इसे भी हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे मोर कलर में, और मोर कलर में जाने के बाद हम यहाँ पर से इसका एक कलर ले लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। और यहाँ पर हम इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे व्हाइट, और यहाँ पर हम जो इसका एड्रेस है इसे सिलेक्ट करेंगे, इसका भी एक बैकग्राउंड कलर कलर ये दे देंगे और इसे कर देंगे बोल्ड। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे पूरी हेडिंग को, और इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे कुछ इस टाइप से, बैकग्राउंड कलर दे देंगे, इसे कर देंगे बोल्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हेडिंग का साइज है इसे इंक्रीज कर देंगे। जैसे हम इसका प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी हेडिंग आएगी ये काफी स्मॉल आ जाएगी, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसका जो साइज है इसे इंक्रीज कर दिया है हमने। उसके बाद हम इसे कर देंगे सेंटर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से हमें एक रेंज सिलेक्ट कर देनी है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर जैसे करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस टाइप का हमारा फॉर्मेट बनने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर एक रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमने और रो को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, और इसे कर देंगे ऑल बॉर्डर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों सेलों को, और इन्हें कर देंगे मर्ज, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे SGST। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे CGST। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों सेलों को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे ग्रांड टोटल, और ग्रांड टोटल टाइप कर देंगे। उसके बाद हम कुछ इस टाइप से रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, इसे कर देंगे बोल्ड, और इसमें एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, जैसे कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड कलर दे देंगे। और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे CGST और SGST पूरी रेंज को यहाँ तक, और यहाँ पर भी इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे।
तो कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड कलर दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इन दोनों में एक बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे। उसके बाद हम ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी एक बैकग्राउंड कलर हम अलग से बैकग्राउंड कलर यहाँ पर देंगे। तो कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड कलर दे देंगे। इसका फॉन्ट कलर हम चेंज कर देंगे, करेंगे व्हाइट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन टर्म एंड कंडीशन देते हैं, तो यहाँ पर हमें भी टर्म एंड कंडीशन देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, इन दोनों सेलों को इन्हें कर देंगे यहाँ पर मर्ज। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन टाइप कर देंगे। इसके बाद हम इसके नीचे तीन सेलों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे मर्ज में और यहाँ पर से कर देंगे मर्ज एंड अक्रॉस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीन कंडीशन टाइप कर देंगे, ठीक है, जो हमारी कंडीशन यहाँ पर होने वाली है। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ गुड्स वुड, गुड्स वुड नॉट बी रिटर्न वंस सोल्ड, ठीक है। यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन लिख ली है। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन होगी हमारी ऑल द वारंटीज वुड बी क्लेम्ड ओनली बाय सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर ऑफ द ब्रांड। और उसके बाद थर्ड कंडीशन हमारी हो जाएगी यहां पर क्रेडिट कार्ड आर नॉट अलाउड एज ऑफ पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर हमारी तीन कंडीशन हो चुकी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इसका साइज हम कर देंगे यहाँ पर कम। यहाँ पर हमारी टर्म एंड कंडीशन इसमें नहीं आएगी, तो यहाँ पर हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर में फिर से क्लिक। तो यहाँ पर हमारी टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद हम इस टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट कर देंगे, इसे कर देंगे बोल्ड, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे अपनी एंट्रीज। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होने वाली है, तो कुछ इस टाइप से हम सीरियल नंबर टाइप कर देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपनी जो जो हमसे सामान यहाँ पर लिया है, वो सामान हम यहाँ पर लिखेंगे। जो फर्स्ट कस्टमर ने सामान लिया है, यहाँ पर लिया है माउस, माउस ले रखा है, माउस कौन सी कंपनी का ले रखा है, यहाँ पर ले रखा है HP S500, ठीक है, और वायरलेस। तो यहाँ पर हम उसकी डिटेल लिख लेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर जो उसका रेट है, यहाँ पर उसका रेट है 560, ठीक है, 560 उसका रेट है। और क्वांटिटी जो उसने ली है 50 ले रखी है, ठीक है। और जो उसका अमाउंट होने वाला है, अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे और रेट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ पर क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, 5 तक हम कुछ इस टाइप से कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड एंट्री लिखेंगे। तो सेकेंड एंट्री हमारी क्या है, कीबोर्ड। तो हाँ, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कीबोर्ड, और कीबोर्ड लिया है, और कीबोर्ड कौन सा ले रखा है, प्रोडोट, ठीक है, प्रोडोट कीबोर्ड यहाँ पर कस्टमर ने ले रखा है, प्रोडोट। प्रोडोट हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद करेंगे यहाँ पर उसकी रेट। अब यहाँ पर उसका रेट क्या है, 600 है, ठीक है, और यहाँ पर उसने कितनी क्वांटिटी ले रखी है, 150, ठीक है, 150 हम लिख देंगे। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हम नोट डाउन कीजिए, अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम थर्ड एंट्री करेंगे, तो थर्ड सामान लिया है, तो यहाँ पर उसने लिखा है कैबिनेट ले रखा है, ठीक है, कैबिनेट गीगाबाइट, ठीक है, कैबिनेट गीगाबाइट हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसका रेट कितना है, 3500 है, ठीक है, 3500 लिख लेंगे। उसके बाद उसने कितनी क्वांटिटी ले रखी है, यहाँ पर ले रखी है 30 क्वांटिटी, और हम यहाँ पर कर देंगे एंटर। उसके बाद हमने यहाँ पर चौथी एंट्री करनी है, तो यहाँ पर जो चौथी एंट्री है, उसने ले रखा है मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर कौन सा ले रखा है, मॉनिटर ले रखा है उसने AOC 27 इंचिस, ठीक है, तो हम ये टाइप कर देंगे। इसका जो रेट है 12,500, तो यहाँ पर हम वो टाइप कर देंगे। उसने यहाँ पर कितनी क्वांटिटी ले रखी है, 15 क्वांटिटी ले रखी है, एंटर कर देंगे। उसके बाद हम लास्ट यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है, एंट्रीज। तो यहाँ पर जो उसने प्रोडक्ट ले रखा है,
जेब्रोनिक का ले रखे हैं और जेब्रोनिक का हेडफोन ले रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वो टाइप कर देंगे जेब्रोनिक हेडफोन, और उसके बाद यहाँ पर हम उसका रेट लिखेंगे 350, ठीक है। 350 हम टाइप कर देंगे, उसके बाद इसका जो क्वांटिटी है उसने कितनी बाई करके 50, ठीक है, 50 ले रखी है, 50 हम लिख देंगे और कर देंगे एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर हम नोट डाउन कीजिए हमारी सभी एंट्री हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे सेंटर में, और सेंटर में करने के बाद हम इसका साइज भी यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। साइज इसलिए इंक्रीज कर रहे हैं, जब भी हम यहाँ पर प्रिंट निकालेंगे तो इसका साइज काफी स्मॉल आएगा, इसलिए हम इसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे ऑल्ट इक्वल, और जैसे हम ऑल्ट इक्वल प्रेस करते हैं, यहाँ पर हम नोट डाउन कीजिए जी, जो ऊपर पूरा अमाउंट था सभी का, ठीक है, वो पूरी रेंज यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर हम कर देंगे एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए जो हमारी SGST और CGST है वो कितनी परसेंट रहेगी। जो हमारी SGST और CGST है वो हमारी 9% रहेगी, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 9%। उसके बाद मैं यहाँ पर CGST भी 9% लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 9% टाइप कर लेता हूँ और कर देता हूँ एंटर। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, हमें यहाँ पर निकालना है SGST 9%। तो SGST हम 9% कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल, और इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर SGST से और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर हमारी SGST 9% आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर CGST निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे और फिर से इस टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे CGST 9%, ठीक है, और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए SGST और CGST आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर निकालना है ग्रांड टोटल। अब ग्रांड टोटल हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे और टाइप करेंगे यहाँ पर सम फॉर्मूला। तो हम सम टाइप करेंगे और यहाँ पर हम इन तीनों को सिलेक्ट कर देंगे, टोटल अमाउंट, CGST और SGST, ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कर देंगे यहाँ पर एंटर। जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए हमारा ग्रांड टोटल आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम एक रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, दो सेलो को हमने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम इसे कर देंगे मर्ज, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर जो की होती है, ठीक है, इसे हम प्रेस करे रखेंगे, होल्ड किए हुए रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस टाइप का हमारा बन जाएगा, ठीक है, स्पेस बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से सेल को सिलेक्ट कर देंगे और इसे कर देंगे मर्ज, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, तो कुछ इस टाइप से हमने टाइप कर दिया है। इसे मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का हमारा फॉर्मेट यहाँ पर दिखने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का हमारा फॉर्मेट दिखने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा Ctrl F2। Ctrl F2 मैं जैसे शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पर कोटेशन इनवॉइस बनने वाला है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे इस टाइप का हमारा फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। पर हमने अपना स्टोर या ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख रखा है, उसके नीचे वाले सेल में आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर देंगे इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है उसका नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट बनाया है उसका नेम है यहाँ पर कोटेशन इनवॉइस, तो यहाँ पर हम वो टाइप कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटायर रो कर देंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को सिलेक्ट कर देंगे और इसे कर देंगे मर्ज, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कोटेशन इनवॉइस, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसे हम चेंज कर देंगे, ठीक है, एक लाइट बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से ले लेंगे। तो कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड कलर रहेगा। इसका जो फॉन्ट कलर है इसे भी हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो कुछ इस टाइप का हमारा फॉर्मेट देखने वाला है। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl F2 शॉर्टकट की, और जैसे हम ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम नोट डाउन कीजिए कुछ इस टाइप का हमारा फॉर्मेट भी यहाँ पर बनने वाला है। तो फ्रेंड कुछ इस टाइप का कोटेशन इनवॉइस बना के देंगे अपने कस्टमर को। आई होप फ्रेंड कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।